पूर्वी झारखंड में होगी भारी बारिश, दिल्ली का बदलेगा मौसम, आईएमडी ने दी चेतावनी। दिल्ली में अब 15 अगस्त तक बारिश के आसार कम, आज और कल सुहाना रहेगा मौसम। ऑटो से भिड़ी कार, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुरेश थौरी की मौत, 13 घायल। दुनिया की सबसे नन्ही बच्ची 13 महीने बाद अस्पताल से आजाद, जन्म के वक्त शेप जितना था वजन। केरल के बाद महाराष्ट्र में भी जीका वायरस का कहर, पुणे के 75 गांव में खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में, मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली से। बरेली में वारदातों का सिलसिला जारी है, पुलिस प्रशासन द्वारा विभिन्न स्थानों पर अभियान चलाकर अपराधियों की गिरफ्तारी की जा रही है। बरेली एसएसपी रोहित सिंह सजवाड़ के नेतृत्व में अपराधों पर अंकुश लगाने का कार्य जारी है। बरेली एसएसपी रोहित सिंह सजवाड़ का कहना है कि बरेली को अपराध मुक्त किया जा रहा है ताकि हमारे शहर की जनता सुरक्षित रह सके। बरेली पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए 24 घंटे में बच्चा चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 2 आरोपी प्रमोद यादव और रानी यादव लाल फाटक कैंट के रहने वाले हैं। रविवार को पीड़ित के माध्यम से महिला थाना पहुंचकर एक तहरीर दी गई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उसका बच्चा कहीं खो गया है, जिसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा छानबीन करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बच्चे को सकुशल उसके घर वालों को सौंप दिया गया है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रवीण कुमार, बलवेंद्र, प्रियंका, शिवाली रानी शामिल रहे। आई विटनेस थे, उनके द्वारा कुछ लीड दिए गए थे, उस लीड के आधार पर हमने इस जो अपहरणकर्ता उनके तक हमारे द्वारा पहुंचा गया और वहां से बच्ची को क्या करते ये लोग बच्ची का क्या पूछताछ में निकल के आया। अभी तक जो हमें जानकारी पूछताछ में जो जानकारी मिली है उसके आधार पे इतनी हम बात बता सकते हैं कि जो ये अपहरण करके ले गए थे इनको किसी थर्ड पार्टी को बच्ची देना था और वो इस बच्ची को कहीं और दे देते, ये भी तक ये प्रकरण हमें सामने आया है। हम इसमें ये भी जानकारी करने में लगे हुए हैं कि क्या इनका जनपद के अन्य थानों में भी कहीं इस प्रकार का कोई आपराधिक इतिहास है बच्ची को खरीद फरोख करने में, और जो अगला पार्टी है, जो थर्ड पार्टी है, उसे कौन है और कहाँ का रहने वाला, इसकी भी हम जानकारी कर रहे हैं ताकि इसमें सारे जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज है वो हम इस्टेब्लिश कर सके, जो भी लोग इस चेन में शामिल हैं उसको हम कठोर कार्रवाई उसको करवा सकें। खबर है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से। साहू सामाजिक संगठन महाराजगंज के संरक्षक गौरी शंकर गुप्ता को समाजवादी साहू राठौर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त होने पर साहू समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का जिला महाराजगंज में प्रथम आगमन होने पर साहू समाज के लोगों ने गाड़ियों के काफिले के साथ हजारों की संख्या में अतावल चौराहे पर जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही उन्होंने कहा साहू समाज संगठन को गतिशील बनाते हुए समाजवादी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता रहूंगा। सबसे पहले तो हम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को जो है हम तहे दिल से आभारी हैं, साथ ही साथ जो है जगजीवन बाबू के भी हम आभारी हैं। अब उन्होंने हमको जिस भरोसे पर यहाँ इस संगठन में जगह दिया है, जाहिर सी बात है कि यहाँ के हमारे ही नहीं यहाँ के साहू समाज को ये बहुत गौरव की बात है कि उन्होंने यहाँ के लोगों को सम्मान दिया है। अब बस देखना ये है आगे विधानसभा चुनाव में 317 से हमें टिकट मिलने का आसार है, टिकट मिल जाती है तो जो यहाँ के साहू समाज के लोगों को जो है उन्होंने विश्वास जताया है, अब उनके ऊपर विश्वास जता के यदि हमें आगे भेजते हैं उसके लिए हम यहाँ के लोगों का भारी हैं और आगे इस संगठन पर जो है हम अपने हिसाब से जो है ये जो यहाँ उसके उनके निर्देश पर जो है हम काम अपना करेंगे। खबर है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र के कोटला चुंगी के ओवर ब्रिज पर एक सफेद हाथी मैजिक ऑटो पलट गया, जिसमें करीब 8 लोग घायल हो गए, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। मैनपुरी के पास एक गांव के रहने वाले हैं सभी घायल। रामनगर गमी में आए थे सभी घायलों को पुलिस ने सरकारी ट्रॉमा सेंटर इलाज के लिए भेज दिया है।
ये सभी लोग मैनपुरी के एक ही गांव के रहने वाले हैं, जो कि रामनगर में अपने रिश्तेदार के यहां गमी में आए हुए थे। हमारा एक छोटा हाथी आगे था, पीछे से ये था और वो पीछे वाला पलट गया। उसमें सात लोग थे, हमें लगा तो उनके सबके चोट आ गई और कुछ ऐसा एक बचे हैं। अरे भैया क्या हुआ था यहाँ पे? मैं पीछे से आ रहा था, मुझसे पहले 5 मिनट पहले यहाँ एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी स्लिप होकर पलट गई मैजिक गाड़ी। ये लोग मैनपुरी के रहने वाले थे, शायद कहीं से दर्शन करके आ रहे थे। गाड़ी पलटी, उसमें हमारे स्थानीय लोग, हमारे साथ सब लोग खड़े हुए थे, सबने रोक के मदद की, गाड़ी को उठाया, सबको भिजवाया हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में फोन करके सबको हमने भिजवा दिया है, उनका इलाज हो गया अच्छे से और जब पुलिस आई अभी उससे। खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली से। बरेली में अपने सुनिश्चित कार्यक्रम के अनुसार महानगर कांग्रेस कमेटी बरेली ने डीजल पेट्रोल की बढ़ती महंगाई, पेगासस जासूसी कांड और भाजपा सरकार की नीतियों के विरोध में भाजपा गद्दी छोड़ो नामक पदयात्रा निकाली। कांग्रेस की ये पदयात्रा 10 बजे अंबेडकर पार्क से शुरू हुई और बांस मंडी शाहू गोपीनाथ स्कूल सहामतगंज मीरा की पैंट होते हुए जगतपुर तक पहुंचेगी। कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला ने कहा कि जिस तरीके से अंग्रेजों के जुल्मों से तंग आकर कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन किया था, इसी तरीके से भाजपा सरकार में डीजल पेट्रोल की बढ़ती महंगाई, पेगासस जासूसी कांड और भाजपा की तानाशाही और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ फिर कांग्रेस ने एक आंदोलन शुरू किया है। इस आंदोलन का नाम भाजपा गद्दी छोड़ो आंदोलन रखा गया है। पद यात्रा इसलिए निकाली जा रही है कि जो भाजपा के दौर में जितनी महंगाई बढ़ी हुई है उसको समाप्त करने के लिए मतलब प्रदर्शन किया जा रहा है कि इस तरीके से महंगाई बढ़ाकर लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड हो रखा है। कानून व्यवस्था बहुत ख़राब कर रखी है, हर चीज़ में मतलब परेशानी परेशान है जनता हर सूरत से। ये अम्बेडकर पार्क से होते हुए शामजगंज सैलानी मिरागी पेट जगतपुर में ख़त्म की जाएगी। ये भ्रष्टाचारी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, बेरोजगारी जो दे नहीं पा रही है, उसके खिलाफ हम लोगों ने आज भाजपा गद्दी छोड़ो का नारा देके हमारे और इनको छोड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये यात्रा हमारी अंबेडकर अंबेडकर पार्क से हम लोग यहाँ से सराय खान जाएंगे, यहाँ से बांस मंडी और श्यामतगंज और सैलानी और उसके बाद हमारा आगे जाके ये खत्म होगी। जगतपुर में एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, वहाँ पर ये समाप्त होगी। खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली से। बरेली के फतेहगंज पश्चिम थाना क्षेत्र के धनेटा का रहने वाला युवक ऋषभ सिंह सुबह में अपने दोस्तों के साथ श्रावण माह का तीसरा सोमवार होने के कारण गोरा लोकनाथपुर में रामगंगा नदी में नहाने के लिए गया था। जहां पर अपने दोस्तों के साथ नहा रहे ऋषभ नदी में पानी अधिक होने के कारण डूब गया, जिसके बाद उसके दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की मगर ऋषभ का कुछ भी पता नहीं चला। तो उसके दोस्तों ने ऋषभ के परिवार वालों को सूचना दी कि ऋषभ नदी में डूब गया, जिसका कोई पता नहीं चल रहा। ऋषभ के परिजनों को मामले की सूचना मिलते ही आनन फानन में मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने युवक के नदी में डूबने की सूचना प्रशासन को दी, मगर प्रशासन की ओर से काफी देरी बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर युवक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। आशंका जताई जा रही है कि नदी में पानी का बहाव तेज होने के कारण युवक बहकर आगे निकल गया है। मैं लड़का नहाने आया। क्या नाम है? ऋषभ जी। और डूब गया, अभी तक कोई ना गोता खोर है ना यहाँ कोई सुनना हुआ कोई ना सुनना हो कोई ना ना कोई गोता खोर है ना कोई जाल वाले है, किसी ने कोई सुनी नहीं कहा। 8 बजे की बात है, 8 बजे की घटना है। 4-5 घंटे हो गए, 4-5 घंटे होने जा रहे हैं, कोई ना कोई सूचना ना कुछ। 5 घंटे होने जा रहे हैं। 5 घंटे हो गए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।